इंदौर की सांवेर तहसील के चंद्रावती गंज क्षेत्र के लिए जहर की तरह काम कर रहा है। बीते तीन दिनों में दिन के मुकाबले रात का पारा 6 से 8 डिग्री के बीच रहता है। ऐसे में आमजन सहित किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। सांवेर तहसील के चंद्रावती गंज क्षेत्र में कई गांव के खेतों में बर्फ जम रही है। कश्मीर की सफेद चादर की तरह खेतों में बर्फ जमी हुई आम तौर पर देखी जा सकती है। वहीं ठंड से बचने के लिए शाम सुबह लोग अलाव लगाकर ठंड से बचने की कवायद में नजर आते हैं। इन दिनों 3-4 दिन से कड़ाके की ठंड के रहते सांवेर तहसील भर में सुबह सुबह खेतों में बर्फ की सफेद चादर देखी जा रही है। वहीं वाहनों में भी बर्फ जम गई है। वाहनों में जमे बर्फ को निकालने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बर्फ जमने के कारण ठंड के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोग कपकपा देने वाली शाम ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाकर ठंड से बच रहे हैं। किसानों के खेतों में बर्फ जमने के कारण आलू बटला चने के साथ ही अन्य फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि इस बार अच्छी बारिश के बाद ठंड का कहर भी बरस रहा है। ऐसे में प्रशासन की जनजीवन के हित में क्या कार्य प्रणाली होगी। चंद्रावती गंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट।